हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल हेल्दी एंड टेस्टी। फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में पकोड़े खाने का एक अलग ही मजा है, चाहे पकोड़े किसी भी चीज की बने। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी केले की बहुत ही फूली फूली क्रिस्पी पकोड़े। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आइए फटाफट केले के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। केला का पकौड़े बनाने के लिए मैंने दो फ्रेश केला ले लिए हैं। सबसे पहले केला को छील लेते हैं। केला को सबसे पहले दोनों साइड काट के हटा लेंगे। और इस तरह से कट लगा लेंगे केला में, ताकि छीलने में आसानी हो। इस तरह से केला में कट लगा लिए। अब इसे छीलेंगे तो इस तरह से बहुत आसानी से केला छिल जाती है। इस तरह से केला छीलने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, ये देख सकते हैं। और अगर आप चाकू से इस तरह से छीलते हैं तो कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं छिलका रह जाती है, इसलिए ऐसे कट लगा के छीलने में ज़्यादा आसानी होती है। हमने कट लगा लिए हैं तो ये देखिए बहुत आसानी से छिलका निकल जा रही है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से दोनों केला छील लेंगे। दोनों केला को हमने छील लिए, अब केला को कट कर लेते हैं। केला आप अपने हिसाब से स्क्वायर, गोल, चाहे जैसे भी आप काट सकते हैं। हम इसे लंबे लंबे टुकड़ों में काटेंगे। इस तरह से हम लंबे लंबे टुकड़े में केला को काट के तैयार कर लेंगे। सारे केला को इसी तरह से हम काट लेंगे। आप चाहे तो बीच से इस तरह से कट करके दो टुकड़े में कर सकते हैं। हम इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े ही रखेंगे। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक वाले पानी में हम जो केला काट के रखे उसे डाल देंगे, इससे केला काली नहीं होगी। केला को फ्राई करने के लिए बेसन का घोल बना के तैयार कर लेते हैं। बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने ये बाउल ले लिए। अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम बेसन, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारे चीजों को मिक्स कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ घोल बना के तैयार करेंगे। थोड़ी सी पानी और हम इसमें डालेंगे। मेरा बेसन का घोल बनके तैयार है। ये बहुत ही स्मूथ घोल बनी है, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से गिर रही है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक छोड़ देंगे, फिर हम केला का पकौड़ा फ्राई करके तैयार करेंगे। 10 मिनट हो गई, घोल को चेक कर लेते हैं। घोल थोड़ी सी फूल गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप हरी धनिया के पत्ते और इसे भी मिक्स कर देंगे। और जो मैंने केले लिए थे जिसे पानी में डाल के रखे, इसे पानी से निकाल देंगे। तो मैंने एक छन्नी ली है, इसी में हम पानी निकाल देंगे केले से। पानी को साइड कर देंगे। अब केला को फ्राई कर लेते हैं। केला फ्राई करने के लिए
हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके केला। मैंने एक बार में 4 से 5 केला ले लिए हैं। अब हम इसे बेसन अच्छे से लगाएंगे। अब हम केला में बेसन अच्छे से लगाएंगे और इसे गरम तेल में डालेंगे। एक बार में 3 से 4 ही डालें। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। जब केला फ्राई होके ऊपर आने लगे तो फिर इसे हम पलट देंगे। इस तरह से ये देखिए बहुत फूली फूली केला की पकौड़ी बन रही है। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गई। ये देखिए कितनी फूली फूली केला का पकौड़ी बनी है। ये देखिए पकौड़ी मेरे दोनों तरफ से अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख लिए हैं, उसी पे सारे पकौड़ी को निकाल दें। इसी तरह से हम बाकी के भी केले को फ्राई कर लेंगे। अब इसे भी हम पलट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली बन रही है। हमेशा फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें। ये भी दोनों तरफ से अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं कितनी अच्छी फूली फूली बनी है। अब इसे भी उसी प्लेट में रख लेंगे। मैंने सारे पकौड़ी को फ्राई कर लिए। अब इसे सर्व करेंगे। और मैंने 2 हरी मिर्च लिए थे, उसे भी बेसन में लपेट के फ्राई कर लिए हैं। फूली फूली केले के क्रिस्पी पकौड़े मेरे बनके तैयार हैं। इसे आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। बारिश के दिनों में आप चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छी खाने में लगेगी। अगर बारिश में कोई गेस्ट आ जाए तो चाय के साथ फटाफट केले के पकोड़े बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो मेरे केले की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।